आप हाथ तो ऊपर उठा के रखिए, तो चालू करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले हमें जब भी ग्राइंडिंग करते हैं तो ग्राइंडिंग एक मोस्ट हाजार्डियस एक्टिविटीज है इंडस्ट्री में। जब भी कंस्ट्रक्शन फेज है या चाहे मेंटेनेंस प्लांट है चाहे किसी भी इंडस्ट्री में, ग्राइंडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे विदाउट इसके बिना जो है ना इंडस्ट्री अधूरी है। जिस तरह वेल्डिंग के बिना पूरी इंडस्ट्री अधूरी है, उसी तरह ग्राइंडिंग के बिना जो है ना पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ना अधूरी है। किसी मेटल के ऊपर, अभी ग्राइंडिंग बोलते किसको है वो मैं बता रहा, किसी मेटल के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर या किसी मेटल के ऊपर जंग लगे हुए या उसके खसने काटने की प्रक्रिया को हम ग्राइंडिंग या कटिंग बोलते हैं। अभी बात आती है कि जब भी हम कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील या कटिंग व्हील सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी हम ग्राइंडिंग व्हील या कटिंग व्हील सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये व्हील जिस मशीन में लगाने जा रहे हैं वो मशीन के लिए सुटेबल है कि नहीं। इट मीन कि अगर हम AG4 का ग्राइंडिंग मशीन यूज कर रहे हैं तो AG4 का ही हम व्हील यूज करेंगे। AG5 का नहीं, या AG7 का ग्राइंडिंग व्हील है तो AG7 में ही यूज होना चाहिए, AG4 में यूज नहीं होना चाहिए। इट मीन कि राइट व्हील फॉर राइट जॉब, राइट मशीन फॉर राइट व्हील, मतलब जो व्हील रहेगा उसी मशीन में लगेगा। अब इसकी पहचान कैसे होगी? इस व्हील के ऊपर जो है ना एक डायमेंशन दिया गया होगा जिसमें लिखा गया 84, 85, 87, 89 जो भी है, इसके ऊपर लिखा रहेगा। इधर 4 इंच लिखा है, 4 इंच का मतलब क्या होगा कि इसका जो डाया है, इसका जो इसका जो आउटर डाया है, इस आउटर डाया को मैं बताऊं सर, थोड़ा सा एक मिनट देखिए। हाँ सर, इसका आउटर डाया मैं बताऊं तो इसको जब भी मेजरमेंट करेंगे तो आपको 4 इंच होगा। कितना होगा जी? 4 इंच। इससे पता हमको चल ये रहा है कि 4 इंच इट मीन कि ये 4 AG4 या एंगल ग्राइंडर 4 का व्हील है। अब हम व्हील सिलेक्ट कर लिए, व्हील सिलेक्ट करने के बाद जो है ना AG4 का हमने व्हील ले लिया, इसके बाद हम क्या चेक करें? तो इससे दूसरी बात होती है RPM, रोटेशन पर मिनट। जिस मशीन में हम लगाने जा रहे हैं इस व्हील को, वो मशीन का RPM से ज्यादा इस व्हील का RPM होना चाहिए। इट मीन कि RPM अगर मशीन का ज्यादा होगा तो व्हील टूटने की संभावना रहेगी। इसके लिए जो व्हील है उसका RPM मशीन के RPM से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज बात आती है रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसको ठोक के चेक करना। हमने चेक कर लिया एक्सपायर भी नहीं है, हमने चेक कर लिया हमारा RPM में भी आ रहा है, हमने चेक कर लिया हमारा डाया में भी आ रहा है कि हमारा 85 कहते हैं, 85, 84 कहते हैं जिसको। लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है क्रैक होने का, डैमेज होने का। तो क्रैक होना हो, डैमेज ना हो, इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे इसको कि इसको जो है ना हम रिंग टेस्ट करके देखेंगे, मतलब इसको ठोक के देखेंगे। ठोक के देखने के बाद दो चीजें मिलेगी, टनटन की आवाज आएगी कि ढपढप की आवाज आएगी। अगर टनटन की आवाज आ रही है सर तो ठीक है, धमधम की आवाज आ रही है तो इसमें संभावना है कि कड़ेगी। इसमें संभावना क्या है? नहीं। इसके लिए जो है ना हम जो है ना इसमें टनटन की आवाज सुनेंगे तभी जाकर के इस व्हील का यूज करेंगे। अभी हमने व्हील तो छोड़ दिया, व्हील ने हमारा सिलेक्ट कर लिया, हम जैसे हम आगे ग्राइंडिंग मशीन पे तो व्हील हमने टाइट कर दिया। व्हील टाइट करने का सिंपल सा मेथड होती है कि इसको लगा करके हमें व्हील की आता है, बल्कि इस मशीन में नहीं होता है चीजें, ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए आपको समझने के लिए दिखाया जा रहा है। इस मशीन में क्या होता है सर, की से हम जो है ना व्हील को टाइट करते हैं, और की के माध्यम से जब हम व्हील को टाइट करते हैं तो ये एंटी क्लॉक वाइज से जो है ना होता है, मतलब एंटी क्लॉक वाइज जो है ना इसको थ्रेड होता है। टाइट करने के लिए ये है, यहाँ पे ये बटन हम दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ना रोटेटिंग करना बंद कर देंगे, यानी कि लॉक हो जाएगा। यहाँ ये पुश बटन है, जैसे हम दबाएंगे वो जो है ना लॉक, ये रोटेटिंग करना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आसानी तरीके से खोल या इसके अंदर जो है ना फिक्स कर पाए। दूसरी बात कि व्हील को टाइट करने के लिए हम कभी भी हाथ से मार करके इस तरह यूज नहीं करेंगे। इस तरह यूज होगा तो व्हील टूट जाएगा और व्हील क्रैक हो जाएगा। व्हील नहीं टूटेगा सामने तो क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होगा तो चलाते समय व्हील जो है ना बाहर निकलने की संभावना रहेगी, टूट करके जो भी आदमी ग्राइंडिंग मशीन है उसके नियर बाई आदमी उसको इंजोर करने की संभावना रहेगी। लेकिन बात यह आती है कि व्हील को टाइट करेंगे कैसे, तो व्हील टाइट करने के लिए आता है व्हील की, यहाँ पे लगा करके उसको आसानी तरीके से जो है ना प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद जो है ना हम आसानी तरीके से जो है ना इसको टाइट या इसको जो है ना असेंबल या डीअसेंबल कर सकते हैं। हमारा व्हील टाइट हो गया, जब हमारा व्हील टाइट हो गया तो व्हील टाइट होने के बाद एक आता है यहाँ पे गार्ड, व्हील गार्ड। व्हील गार्ड का काम यह होता है कि जब हम कटिंग करते हैं इसको कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद जो है ना व्हील टूटता है। क्या होता है सर? व्हील टूटता है। तो जब व्हील टूटेगा तो व्हील टूटने के बाद जो आदमी कटिंग कर रहा है उसके डायरेक्टली जो है ना बॉडी पे आएगा।
या उसके जो है ना किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, मेनली आता है चेस्ट और गर्दन पे। चेस्ट और गर्दन पे ज्यादा से ज्यादा जो है ना अभी तक का जो भी इंसिडेंट का देखा गया, एनालिसिस किया गया, उसमें जो भी एक्सीडेंट होने वाला है जो ग्राइंडर है उसके चेस्ट के ऊपर आता है। इसके लिए व्हील गार्ड लगाना बहुत जरूरी है। व्हील गार्ड लगाने के बाद हम इसमें देखते हैं वाइब्रेशन और रनिंग आउट। जब भी हमारा व्हील ग्राइंडिंग मशीन जब चलता है तो इसमें वाइब्रेशन होता है, यानी कि रनिंग आउट बोल सकते हैं इसको, कंपन होना। ये जो कंपन होगा तो कंपन होने के बाद क्या होगा, देखिए इसमें नॉर्मल कंपन है, नॉर्मल जो है ना ये जो है ना रनिंग आउट है। तो रनिंग आउट का मतलब क्या होगा कि जब मशीन चलेगा तो व्हील जो है ना डायरेक्टली जो है ना कंपन होगा, रनिंग आउट होगा, और रनिंग आउट होगा तो व्हील टूटने की 110% संभावना रहेगी। इसके लिए जो है ना हम जब भी मशीन को अलाउ करेंगे तो इन बातों के प्रति जो है ना ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट बात आती है कि सर जब हम मशीन को तो हम व्हील रनिंग आउट चेक कर लिए, वाइब्रेशन हमने चेक कर लिया, वाइब्रेशन इसके लिए चेक किया कि वाइब्रेट होगा तो जो ग्राइंडर है उसको वाइब्रेशन करते समय हाथ में सुनापन आ जाएगा, बॉडी में सुनापन आ जाएगा, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग मशीन छूट करके उस इंसान करते हुए व्यक्ति को जो है ना डायरेक्टली जो है ना चोट लग जाएगा, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाएगा। तो इन सारे चीजों के प्रति हमने ध्यान दे दिया। अब जब हम ध्यान देंगे तो ध्यान देने के बाद फिर बात आती है स्विच की। इस स्विच की बात आती है तो स्विच का मतलब क्या हुआ कि जब हम मशीन को चलाते हैं तो चलाने के बाद इसमें ट्रिगर स्विच होता है। ट्रिगर स्विच का मतलब ये हो गया कि मशीन को हम पुश करेंगे तो ये चलेगा, अदरवाइज जो है ना नहीं चलेगा। तो ट्रिगर स्विच इसका नाम है डेडमैन स्विच। क्या बोलते हैं सर, डेडमैन स्विच। ये दो चीजें स्विच होती है। जनरली जो आता पहले आता था वो होता था कि जब हम पुश करेंगे, पुश करने के बाद लॉक हो जाता, लॉक हो जाने के बाद मशीन चल रहा है, ग्राइंडर एकदम आराम से जो है ना मशीन पे चला रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा ग्राइंडिंग मशीन को चलाते समय कुछ ऐसे परिस्थिति आती है, किकबैक मारना, किकबैक इट मीन कि बैक लगना, किकबैक मतलब क्या होना, और जब बैक आएगा हाथ से छूटेगा तो ये तो मशीन चल रहा है, व्हील तो चल रहा है, लेकिन चलते समय बॉडी के ऊपर आएगा और जहां पे भी लगेगा वहां पे कट कर देगा। इसके लिए जो है ना इसको रिप्लेसमेंट करके एक स्विच इसने इंस्टॉल किया गया जिसका नाम डेडमैन स्विच रखा है। डेडमैन स्विच का मतलब क्या होगा कि जैसे हम इसको दबाएंगे तो चलेगा, मतलब पुश करेंगे तो चलेगा, छोड़ देंगे बंद कर देगा। डेडमैन स्विच का मतलब है पुश करेंगे तो चलेगा और छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। अब फिर बात आती है कि जब हमने इन सारे चीजों को देख लिया, देखने के बाद जो है ना डेडमैन स्विच हो गया। डेडमैन स्विच के बाद आती है इसका फिजिकल कंडीशन। क्या बात आती है सर, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन क्या हुआ कि ये जो मशीन है सर, मशीन का फिजिकल कंडीशन कहीं से जो है ना डैमेज नहीं होना चाहिए, इसका बॉडी पार्ट कहीं खुला नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, कहीं कभी होता है घस जाना होता है, इन सारी चीजों को देख लेंगे। और इसकी बात आती है कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन। तो कनेक्शन देखिए, मशीन को हम तभी अलाउ करेंगे जब इसमें प्रॉपर तरीका से कनेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कनेक्शन लूज है, वो वाला नहीं चलेंगे। अब फिर बात आती है केबल की सर, केबल हम पर्सनली जाकर के चेक कर लेंगे कैसे कटा होता तो नहीं। अगर कटा रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जो इसके संपर्क में आएगा, इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, वो इलेक्ट्रिकल बॉक्स से एक्सपोज हो जाएगा, चपेट में आ जाएगा। फिर बात आती है स्विच की, सॉरी प्लग की। प्लग मीन्स क्या हो गया कि प्लग इसका इस प्रकार से होना चाहिए सर कि प्लग में तीन केबल होता है, भले इसमें जो है ना जो उधर से मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलता है उसी प्रकार के प्लग मिलता है, बल्कि जो है ना जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो इसका पूरा का पूरा चेंज करके जो है ना इंडस्ट्रियल प्लग डाला जाता है, जिसमें फेज, न्यूटन और अर्थिंग तीनों केबल होता है। जब भी हम केबल प्लग जो जब स्विच से जाकर जबेगा, दबने के बाद जो है ना फेज फेज से, न्यूटन न्यूटन से और अर्थिंग बॉडी से जाकर के कनेक्ट होगा। ये क्या होगा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां पे लगा हुआ जो भी अर्थिंग है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान, जो अर्थिंग इससे कनेक्टेड होगा, यानी कि बॉडी अर्थिंग इसमें इसके लिए दिया जाता है, जब ओवरलोड होगा और ओवरलोड होने के बाद बॉडी से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेगी, और ये जो है ना डायरेक्टली कहां से आ जाएगा, अर्थ में आएगा, और अर्थ डायरेक्टली कहां पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगे हुए ईएलसीबी को डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें जो है ना फॉल्ट है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगे हुए ईएलसीबी तुरंत का तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो मेक श्योर करना है कि इसमें तीन केबल होना चाहिए, और तीन केबल के साथ साथ इसका फिजिकल कंडीशन, केबल का कहीं से कटा उठा नहीं होना चाहिए, प्लग का फिजिकल कंडीशन सही होना चाहिए, जहां पे कनेक्शन हो रहा है ये सही होना चाहिए, और जो व्यक्ति काम करने वाला है सबसे पहले तो उसका वैलिडेशन होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका जो है नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ उस पार्टिकुलर एक्टिविटी का जहां पे काम कर रहा है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है पोस्चर की,
पोस्चर क्या होता है, कभी कभी पोस्चर जो है ना इतना रॉक पोस्चर हो जाता है कि ग्राइंडर जो है ना काम करना असमर्थ हो जाता है। कभी कभी इस सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है, इवन कभी कभी झुका के भी काम करना है, बॉडी को पूरा जो है ना लेट करके भी काम करना पड़ता है। तो इस पोस्चर को देखना बीइंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर आप सबकी जिम्मेदारी है कि उसका प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड करना। क्या करना सर? प्रॉपर पोस्चर प्रोवाइड करना। प्रॉपर पोस्चर रहेगा तो क्या होगा सर, जो ग्राइंडिंग मशीन चलाने वाला व्यक्ति है, जो ग्राइंडर है, वो सही तरीके से, सिंपल सी बात है, कोई भी आदमी जो ग्राइंड वीडियो मत कर दीजिए,